जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे डोसा। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा। इसके लिए सबसे पहले हम तवे को तैयार करेंगे। सिर्फ दो बूंद तेल डाल के इस टाइप से फैला देंगे प्याज के। इससे इसको हम साफ कपड़े से एक बार अच्छे से पोंछ लेंगे। लीजिए, हमारा तवा तैयार है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं गैस को स्लो करूंगी। तो सबसे पहले आप मेरा खमीर देखिए कितना अच्छा उठा है। इतना अच्छा खमीर उठाने के लिए एक सीक्रेट है, जो कि मैं आपको आगे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी कि इतना अच्छा खमीर हम कैसे बना सकते हैं। अब मैं इसको एक चम्मच की सहायता से मिला रही हूँ। देखिए कितना अच्छा खमीर बना है मेरा। इसको मैंने कम से कम 8 से 10 घंटे रखा हुआ था पीसकर। अब मैं इससे डोसा बनाऊंगी। लीजिए, हमारा डोसा बनकर तैयार है। ज़रा सा मैं इसके ऊपर तेल डालूंगी। लीजिए, हमारा डोसा बन चुका है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गया है, कितना क्रिस्पी बना हुआ है। लीजिए, इसी तरह से अपने सारे डोसे तैयार कर लेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी डोसे बन रहे हैं। इसी तरह से अपने सारे डोसे तैयार कर लेंगे। थैंक यू।